नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो मेरी मातृशक्ति, प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं छत्तीसगढ़ बिरादरी का और अपने क्षेत्र के एक भाई और बहन का, नौजवान साथी सम्मान बुजुर्गों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया कि दिन और रात उन्होंने नहीं देखा और आज एक ऐसा स्वादपूर्ण वातावरण नजर आ रहा है कि भगवान की दया से आप लोगों के आशीर्वाद से आपकी जीत मैं समझता हूँ। प्रणाम प्रणाम। आने वाले 8 तारीख को आपको मिलेगा, क्योंकि आपने अच्छे प्रयास किए, भगवान उनका अच्छा प्रणाम भी देगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपकी इस पारी का बहुत अच्छा शुभारंभ है, बहुत आशा, बहुत अपेक्षा, बहुत उमंग, बहुत विश्वास आने वाली सरकार से की जाएगी। भगवान ने चाहा कांग्रेस की सरकार बनना भी सुनिश्चित, उसके अंदर पिछले 10 साल से जो मायूसी, जो निराशा का माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ था, उसको ठीक करने का, रुके हुए विकास के कार्य उनको ठीक करने का और आगे हम कैसे विकसित हो, इसका एक बहुत ही सुनिश्चित प्रोग्राम आपको करना होगा, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी आशा है आने वाली सरकार से। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए कहते हैं जीत का घमंड नहीं और हार की मायूसी और यानी कहने का मतलब गम नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पीछे आप 75 वाले इसमें हारे थे, पार्लियामेंट वाले 75 पार्लियामेंट चुनाव में हारे थे, तो लोगों को मन में एक थोड़ा सा गम था, लेकिन आप लोगों ने बहुत उस गम को पिया और मैं समझता हूँ विधानसभा चुनाव में उसी भावना के साथ लगे कि आज हमारी हार हुई है, भगवान ने चाह हम प्रयास करेंगे कल हमारी जीत होगी। इस बात को लेकर आपने अब एक परीक्षा की घड़ी है, आप इसे चीते हमारा मंदिर वाले बेसिकली क्या है, ये फूलों का मतलब कहने का आज नहीं है, ये कांटों की सेज है, मैं फूलों का हार नहीं है, कांटों की सेज है। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल में व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, तो उनको ठीक करने के लिए सरकार को अधिक प्रयास करना होगा। मैं सारे भाइयों से निवेदन करता हूँ कि भगवान ने चाह जीत भी होगी, कुछ दिन जीत के बाद कोई भाई ठीक कहा पिछा ने कहीं कोई ऐसी बात नहीं करे जिससे दूसरे आदमी हो गए भाई जीत तो गए पर इनका तो घमंड हो गया। हम जमीन पर चलने वाले आदमी है, घमंड के साथ नहीं गर्व के साथ चलने वाले आदमी है, बात पसंद नहीं। और मैं हमेशा कहता था, एक बात मेरे को खूब बुखार हो रहा था, अक्षत को बुखार हो रहा था और मेरे बहुत सारे साथी थे, उनकी तबीयत भी काफी ढीली हो रही थी, लेकिन वो चलते रहे। तो जैसे राहुल जी चल के आए थे 4000 किलोमीटर, तो मैंने एक ही बात कही थी जिस दिन आप वहां पहुंचे थे फिरोजपुर देर का, कि मैं जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आप लोगों ने एक मंजिल तय कर रखी, उस मंजिल की तरफ नजर रखिए कि हम इस महेंद्रगढ़ को और इस हरियाणा को आगे ले जाना चाहते हैं और उसके अंदर अपने सक्रिय और सकारात्मक प्रयास देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ का वो नाम हो जो दो कहें, हाँ हरियाणा के अंदर एक क्षेत्र है, हरियाणा में एक जिला है जिसका नाम महेंद्रगढ़ है, यही हमने किया। अब कहूंगा बहुत अधिक प्रयास पिछले 1 महीने से आप कर रहे हैं, अब कल का दिन है, थोड़ा शांति से बेसिक रेस्ट करें, उसके बाद 8 तारीख को अपन फिर मिलेंगे। अभी किसी के लिए अपने को छोटा नहीं बोलना, ये प्रजातंत्र है, हर आदमी का लड़ने का हक है, हर आदमी चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसके अंदर कोई भाई कुछ भी कहता रहे वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन आपने बड़प्पन दिखाना, ये मैं आपसे चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ सारे भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया था और धन्यवाद करता हूँ। जिंदाबाद।
खड़ा खाओ और भाई हमारा साथी शहर से ये विकास तिवारी है, ये कह रहा भाई साहब दो शब्द मैं कहना चाहता हूँ भाई विकास भाई साहब। और साथियों एक बात कहना चाहता हूँ आपकी तरफ से नेताजी को, नेताजी मेरा गाड़ा जरा ऐसा है कि अगर मैं गाड़ा भी गाऊं तो भी आदमी सो जाए, लेकिन सब भाइयों की तरफ से तेरे चेहरे में वो जादू है को खींचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर और आपकी सही बात, मेरी बात का मतलब समझना, इतनी भीड़ देख के नेताजी बात का मतलब समझना, मेरे गर्लफ्रेंड का फोन आया शाम को बोले तिवारी जी आपसे मिलना है, मैं ठहरा बामन आदमी ना तो कोई मिल ले तो बोले कहा मिलो मेरा जानते ही मर्जी, बोले कोई सुनसान जगह पे मिलू तो मैं तो भाई सुनसान जगह तो आज का टाइम पे बीजेपी ऑफिस ही है। Thank you.